ठीक है, तो दिल्ली से पंजाब से बहुत क्या चाहिए मुझको करते। तो देख सकते हैं ये है रिजॉर्ट और नैना बनाई वैली। अब हमारा ऑर्डर आ चुका है और खाने के लिए ऊपर देख सकते हैं ये सामने ब्रिज सा जा रहा है। तो मेट्रो में रुक चुके हैं और जैसे देख सकते हैं सामने पंथ खड़ा है, ठीक है बेचारा। तो चलते हैं सीधा हम लोग मैकडी के अंदर और खाते हैं कुछ। ये गाड़ी हमने लॉक कर दी, देख सकते हैं सौरभ भैया। हेलो एवरीवन, हम दोबारा आ गए, वी आर बैक अगेन। इधर खड़ी है, हल्दीराम में आए हैं आज हम। संजू वैली चलो जी सीधा हम लोग जा रहे हैं हल्दीराम में। ऑर्डर कर रहे हैं भाई साहब, ऑनलाइन ऑर्डर है। अब हमारा ऑर्डर आ चुका है और खाने के लिए छूट पड़े हैं। खा ले पंत। हेलो दोस्तों, देखो 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 ये डैम, डैम देखो कितना मस्त है, कितना साफ पानी बिल्कुल, और क्या ही नज़ारा है देख सकते हो। ये गाड़ी अपनी ठीक है, और देख सकते हैं कितना ही बढ़िया नज़ारा। मंथन रिजॉर्ट में तो नहीं जा रहे हैं, बट चेंज कर दिया रिजॉर्ट क्योंकि कुछ काम चल रहा है वहाँ पे, बाकी पता नहीं कौन सा रिजॉर्ट है, देखते हैं अब। तो देख सकते हैं ये है रिजॉर्ट और नया बनाई बेसिकली, ठीक है, और इसको दिखा देता हूँ रूम कैसा है। देख सकते हैं ये टू बेड, ये वन बेड सिंगल बेड अलग से है, और बाकी देख सकते हैं इसका नज़ारा। वॉशरूम का लाइट जलाता हूँ, ये वॉशरूम है, इसमें गीज़र वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है। सुबह मैं बता दूँगा इस रिजॉर्ट का, इसमें कूलर वाला भी एसी वाले भी है, ठीक है, बट एसी कूलर को यूज़ नहीं करता इस टाइम। क्या चाहिए मुझको, दर्द दिल की दवा चाहिए। कौन आ गया। चुके हैं, देख सकते हैं रिजॉर्ट का नज़ारा, जो हमारा रिजॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट ठीक है, और सामने नदी है, नदी भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कन्नू जा रही है, और बाकी इधर भी बन रहा है देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। ये मेनली मोहनजट्टी में है दोस्तों, तो अभी आपको दिखाएंगे अंदर जो यहाँ नदी बहती है, सबसे बेस्ट है, जहाँ पे प्री वेडिंग सूट्स होते हैं, ठीक है, उसका नज़ारा भी आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा साइड जाऊँ क्या, अरे मेरे पैर में रख क्या, मोचो मोच, नहीं नहीं इससे नहीं लगा, मैं नहीं आ रही। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा नदी की ओर, और देखो जैसा कि देख सकते हो मेरे पैर में चोट लग गया है, मुझे लग गया, अभी क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग, तो बाकी चलते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है, गर्म पट्टी लेके आते हैं और सीधा नदी में चलते हैं पहले हम लोग। सौरभ भैया पेड़ की डाली तोड़ने के चक्कर में, ठीक है, बेसिकली रात को वो बर्न फायर करेंगे, इससे लकड़ी ख़त्म होगी हमारी। आम तोड़ रहा है, आम का पेड़ नहीं है, नहीं अमरूद का है, नहीं आम या अमरूद है, किसी और का है, आम ही का है वो वाला, है ना, आम या अमरूद है, आम लग रहा है मुझे तो, आम थोड़ा मिलेगा अभी। तो भाई साहब देख सकते हो कितना ही साफ पानी, बेसिकली बहुत ठंडा पानी है ये, और जा रहे हैं हम लोग सीधा पानी की तरफ,
उस वाले बहाव की तरफ जा रहे हैं हम लोग। नहाएंगे, क्या करते हैं देखते हैं, आगे क्या डिसीजन होता है। देख सकते हो क्या ही नज़ारा है, कैसा लगा? अच्छा उत्तरी तैयार भी हो गया नहाने के लिए, खुद जा ऊपर। देख सकते हैं ये सामने ब्रिज सा जा रहा है लोहे का, और काफ़ी हिलता रहता है, ये बहुत पुराना। यहाँ पे प्री वेडिंग सूट्स होते हैं, और बेसिकली जो देख रहे हैं यहाँ पे वो सामने की तरफ था ना, वहाँ पे कम से कम 9 से 10 फीट गड्ढा था, बाकी ये भर दिया गया पूरा। तैयार हो गए हैं डुबकी लगाने को। यहाँ के बाल उखड़ गए या काटे हैं आपने? दे एक डुबकी। गहरा है भाई, पता किधर है गहरा? ये उधर है देखो, ना ना उधर गहरा, ये देखो उस तरफ को, लेकिन जाना मत उधर। जय हो गंगा मैया की। सीधा एक बार, बहुत ठंडा है बताना, कोई भी बहुत ठंडा है, बर्फ वाला पानी। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। एक डुबकी लगा ले आजा। ये देखो कितनी मशक्कत से नदी को पार करते हुए मछली ढूंढ रहे हो। नहीं कच्चा काला नहीं होगा, काई है। कोई बात नहीं, धो लेना। अरे काला कच्चा है मेरा। मछली पकड़ लो, मछली। अरे बस डंडा पानी डंडा। अरे मछली पकड़ लो। ये हमारा नाश्ता हो रहा है, खा लिया पोहा और चाटी चाय। पिकल्स कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब अभी क्या है कि हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा, अभी तो नहा धो के रेडी हो गए, बट अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा पुल की तरफ। काफ़ी अच्छी फोटो आती है वहाँ पे। बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ प्री वेडिंग सूट्स होता है, ठीक है? तो दिल्ली से, पंजाब से, बहुत जगह से लोग आते हैं, ठीक है, प्री वेडिंग सूट करने के लिए, है ना भैया? वहाँ पे बहुत सारे, हाँ, तो वो लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। उसके नीचे बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा सा खाली एरिया है, तो इसलिए यहाँ प्री वेडिंग दोबारा बनाया सारा। हाँ ये दोबारा बनाया है, इसमें पहाड़ था पूरा, देख सकते हो। इस रिजॉर्ट का नाम क्या है बता सकते हैं? नाइन्स रिजॉर्ट जी। और ये कौन से एरिया में है? ये आपका आता है मोहन चट्टी। ये आपका लक्ष्मण झूला से अराउंड 16 किलोमीटर है, और पास में यहाँ पे शायद ये कौन सा है, शिव विला ना, शिव विला के पास में है, और मंथन इसके ऊपर है, मंथन रिजॉर्ट। अच्छा अभी बंद है तो इसलिए ज़्यादा रश कब होता है यहाँ पे? रश का टाइम आपका मार्च के टाइम पे रहता है, मार्च के टाइम आपका, मार्च से जून जुलाई तक रहता है, जो समर का टाइम रहता है, क्योंकि रिवर वगैरह रहती है तो उस टाइम पे नहाने के लिए अच्छा सही रहता है। ठंड के टाइम तो मसूरी जाते हैं लोग ज़्यादा। अच्छा मसूरी जाते हैं। अभी क्या मतलब प्लान है इसका और एक्सटेंड करने का? अभी एक्सटेंड तो होगा धीरे धीरे करके, अभी एक साल हुआ है प्रॉपर्टी को ना, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सटेंड करेंगे। कब से यहाँ से बुकिंग स्टार्ट होगी? एक साल से पहले से? अभी हमारा था 22 को हमने स्टार्ट किया था, 22 दिसंबर लास्ट ईयर। अच्छा लास्ट ईयर। चलो बढ़िया, मतलब खाना वाना भी बढ़िया आपका, और सबसे बढ़िया वो सामने देख सकते हैं, ये है यहाँ पे किचन एरिया, वहाँ बैठ के भी आप डाइन कर सकते हो, ठीक है? और बाकी किचन एरिया वहीं पे है, और ये देख सकते हैं ये है सारा यहाँ पे बना हुआ रिजॉर्ट टाइप का। तो भाई साहब अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं इस रिजॉर्ट से, और हम लोग जा रहे हैं सीधा किस तरफ को आगे बता देंगे आपको, ठीक है? वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको जहाँ भी जाएंगे, ठीक है? बाकी अभी और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगा, ऊपर क्या है क्या नहीं है, ठीक है? बेसिकली हम लोग चेकआउट कर चुके हैं यहाँ से, और हमारा लगेज भी पैक हो चुका है, और सीधे चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। रात को बेसिकली पता क्या, रात को माइनस तो नहीं था, लेकिन 3-4 डिग्री तो हो गई होगा, 3-4 डिग्री सेल्सियस हो गया था, काफ़ी ठंड हो गई थी, बट ठीक था। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है ब्रिज, वो जहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है। तो
तो देख सकते हो यहाँ से कितना ही बढ़िया नज़ारा होता है। और मेन थक जाते हैं हम चढ़ते चढ़ते, देख सकते हो क्या ब्रिज है। क्यों टूटेगा? डगो डगो डर रही। पता है यहाँ पे ना ये ब्रिज गिरता है बहुत ज्यादा, ठीक है? हम हिलाते भी हैं। देख सकते हो क्या नजारा है। देख सकते हो यहाँ पे पानी ना खोल दिया है, बेसिकली जो पानी आता है ना ऊपर से पहाड़ों से आता है वो पूरा खोल दिया है, तो यहाँ से पूरा पानी का बहाव तेज हो गया है, ठीक है? ये जाके सीधा हरिद्वार वाली जो गंगा जी जो भी है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। देख सकते हैं इधर से ही पानी आ रहा है, बेसिकली वहाँ से बहाव है वहाँ से सीधा, और दो तरफ कट दे रखा है उन्होंने, एक इधर से एक इधर से, तो ज़्यादा पानी का बहाव इधर से है और डायरेक्ट ये जा रहा है होते हुए गंगा जी में। भाभी कैसा लगा आपको घूम के यहाँ पे? हाँ, अमेजिंग। चल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग शायद शस्त्रदारा का प्लान बनेगा, वो भी एक अमेजिंग वीडियो होगी, व्लॉग होगा, ठीक है? हाँ। तो बाकी हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको इधर का नज़ारा। मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पे आते हो हरिद्वार ऋषिकेश, तो एक बार यहाँ मोहन चट्टी में एक बार जरूर ट्राई करो, काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बेसिकली मेरी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा, और ना तो मेरे पास गर्म पट्टी है, बहुत ही दुविधा में हूँ मैं। तो चलते हैं, देखते हैं गाड़ी चलती नहीं चलती मुझसे। ओ देखो बंदर, ओए क्या फेंक रहा तू, ओए मोबाइल चुरा लेगा ये गुरिल्ला। ये हमारी गाड़ी लग चुकी है पहली, दूसरी गाड़ी सौरभ भैया मोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास के नहीं है मोड़ना यहाँ पे। लंगू रही है ये आगे अपनी गाड़ी। ना दूसरी गाड़ी आ रही अपनी। यहाँ पे हम लोग रुके हैं जलजीरा पीने के लिए, तो देख सकते हैं गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है और जलजीरा हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे हरिद्वार, तो हरिद्वार का भी टूर आपको कराएंगे पूरा इसी वीडियो में। ये देखो चल रहा है सिकंजी। गाड़ी हमने लगा दी है और जा रहे हैं हम लोग सीधा गंगा जी का स्नान करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है पूरा, तो यहाँ से आप अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी आपको लेना है ले सकते हो, ठीक है? सारा सामान मिल जाएगा आपको। अभी ऐसे करो, आँख को यूँ कर लो, ठीक है, और इसको ऐसे करो। लेंगे कहाँ चले गए? तो ये देख सकते हैं ये है द्वार, श्री हरिद्वार हर की पौड़ी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सारे यहाँ पे जैसे प्रसाद वगैरह या फिर कुछ भी खाना आपको खा सकते हो। बाकी देखो पूरा यहाँ का कैसा नज़ारा है, इस तरफ सारा अठावा है। तो अभी हम लोग सीधा
पूरा भगवान जी के दर्शन करके सीधा हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हाँ, और बाकी फिर वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलते हैं दोस्तों।